अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनने वाली है सैमसंग S7 गैलेक्सी टैब पर। ये तो जेली पाउच है, तो हम आपको दिखाते हैं इसका टैब। क्या आ गया टैब, सैमसंग S7 प्लस गैलेक्सी टैब। ठीक है, आज हम वीडियो बना रहे हैं कि यूनिवर्सल जो कीबोर्ड आता है वो किस तरह से अटैच होता है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। इसको हम करते हैं साइड पे। ये है छोटू सा प्यारा सा पाउच जो मेरे टैबलेट को प्रोटेक्ट करता है। ये आ गया इसका कीबोर्ड कीपैड जो मैंने द्रास से लिया है। खुला यहाँ से हम यहाँ पर लगाएंगे अपना टैब। ये आ गया कीबोर्ड, इसका तरीका से मेंशन हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिव है ये और वेटलेस है। यहाँ से बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सेलफोन टच पैनल, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको जल्दी से अटैच करके दिखाती हूँ। ये पेन, अब हमें लैपटॉप पे कन्वर्ट करने के लिए इसको यहाँ से उठाना है, यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, ताकि हम इसको उठा के यहाँ पर यू एडजस्ट कर सकें। ये हमारा बन गया लैपटॉप प्यारा सा। चलिए अब इसको अटैच करते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं। ये जो छोटू सा बटन है, ये लाइट दी हुई है, यहाँ से चार्ज होता है ये। ठीक है, चार्जेबल है, यहाँ से चार्ज होगा। हम जब इस बटन को ऑन करते हैं ब्लू लाइट जलती है। ठीक है, अब हमें यहाँ से ब्लूटूथ ऑन करना है। आप बोलेंगे तो बहुत आसान है, ब्लूटूथ ऑन किया तो कनेक्ट हो गया, बट फर्स्ट टाइम पे ये कनेक्ट नहीं होता है। ये जो वायरलेस कीबोर्ड है ये शो नहीं होता है। ठीक है, इसको शो करने के लिए हमें जो ये FN का बटन है, FN और ये C कनेक्ट है, इन दोनों को दबा के रखना पड़ता है। जैसे हम इसको दबाते हैं तो ये देखिए लाइन ब्लिंक कर रही है कि ये शो होने के लिए शो हो रहा है। ठीक है, कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ से हमने डन कर दिया, ये कनेक्ट हो गया है। फ़र्स्ट टाइम जब मैं लेकर आई थी मैं बहुत परेशान हो रही थी, शायद मैं समझी दराज से मैंने मंगवा लिया, कनेक्ट ही नहीं हो रहा, ख़राब तो नहीं दे दिया। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत परेशान हो गई थी कि शायद ये ख़राब हो, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा ये। फिर मैंने वीडियो देखी तो पता चला FN और ये C को हम जब प्रेस करेंगे तो जाके कनेक्ट होते हैं। अच्छा, तो ये इसकी लाइट बनी हुई है। ये कीबोर्ड का बहुत ही प्यारा लुक आता है इसमें, डिफरेंट कलर के लाइट्स हैं इसमें जो चेंज होते हैं यहाँ से। और ये हमारा लैपटॉप बन गया। हमें लैपटॉप मोड पर करना है तो हम यहाँ से इसको दबाएंगे तो ये लैपटॉप बन जाएगा। देखिए लैपटॉप की तरह आइकन आ गए इसमें सारे, ये नीचे सारे, ये आपको दिख रहा होगा माउस। ठीक है, अगर हमें वापस जाना है टैबलेट मोड पर हम यहाँ से इसको एग्जिट कर देंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और इसके मुताबिक आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी, अगर आप लैपटॉप बनाना चाहें तो इस तरह से लैपटॉप करके यूज़ कर सकते हैं, अगर आप टैबलेट बनाना चाहें तो आप बस ये चाहिए पोस्ट लगाना है और टैबलेट बन जाए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अच्छा, हम इसको इस तरह से करके बंद भी करते हैं क्योंकि इस पर ये जो लगा हुआ है स्क्रीन पर टच होता है इस तरह। ये हमने फोल्ड किया, जो पेन है यहाँ पर मर्जी आपकी, यहाँ पर अटैच करें या इसको यहाँ पर। ठीक है, ये हमने बंद कर दिया। ये मेरा छोटू सा पाउच है जो कि मैंने अलग से लिया है।